क्या जैन धर्म हिंदू धर्म ही है या हिंदू धर्म ही जैन धर्म है? क्या दोनों धर्म आपस में जुड़े हुए हैं? चलिए आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म और जैन धर्म दो शरीर लेकिन आत्मा एक है। ये भी कह सकते हैं कि एक ही कुल के दो धर्म हैं, हिंदू और जैन धर्म। जैन और हिंदू धर्म एक ही भूमि पर उत्पन्न और विकसित हुए, इसीलिए दोनों की ही सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं एक ही हैं। दोनों ही एक ही वृक्ष की दो शाखाओं की तरह हैं। हालांकि दोनों का दर्शन भिन्न भिन्न है, लेकिन यह भिन्नता गहराई से देखने पर लुप्त हो जाती है। आइए जानते हैं और कुछ समानताएं खंगालते हैं, जानते हैं कि यह दोनों सचमुच एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया था, लेकिन कहा यह भी जाता है कि भगवान विष्णु ने 8वां अवतार बौद्ध धर्म के रूप में लिया था। लेकिन कहा जा सकता है कि हिंदू से ही जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नमी के बारे में उल्लेख है कि वे मिथिला के राजा थे। इन्हें राजा जनक का पूर्वज माना जाता है। राजा जनक भगवान राम के ससुर थे। महाभारत के शांति पूर्वक में कहा गया है कि मिथिला या नमे किचन दस्यता, यानी कि इससे यह प्रतीत होता है कि राजा जनक की वंश परंपरा को विदेही और अहिंसात्मक परंपरा कहा जाता है। वहीं नमे भी यही परंपरा यानी कि मिथिली राजवंश में जनक तक पाई जाती है। वहीं अगर दोनों धर्म के पुराणों को माना जाए तो उससे भी यह स्पष्ट होता है कि दोनों धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ही धर्म के पुराणों के अनुसार 24 अवतार और 24 तीर्थकर हुए। उसी तरह हिंदू धर्म में 14 मनु हुए जो जैन धर्म के 14 कुलकर हुए हैं। मनु और कुलकरों ने ही समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। 14 मनुओं के नाम थे स्वयंभू, शवरोषिच, औतमी, तामस मनु, रवैत, चाक्षुत, ववैस्तव, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, रचाय देव सावरणी और बहुत या इंद्र सावरणी। उसी तरह 14 कुलकरों के नाम थे प्रत्युश्रुति, सन्मति, शेमपर, सिमकर, शिमधर, विमल वाहन, चक्षुमाहन, अभिचंद्र, चंद्राभ, मरुधम, प्रसेंजित और नाभिराज। वहीं जैन धर्म की अगर एक और रहस्य को देखा जाए तो जैन धर्म में 11 रूप भी मिलता है। इसी तरह 14 इंद्र और 14 नारद भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इससे ये स्पष्ट होता है अगर धर्म ग्रंथों में लिखा है तो आप कह सकते हैं कि जैन धर्म और हिंदू धर्म आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।